अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी जी एम अगेन एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर सभी को वेलकम। तो गाइस आज हम लोग खेलने वाले पे सोलो वर्सेस सोलो। तो यहाँ पे एक बंदा 121 का हेडशॉट काफी अच्छा थॉमसन का लगा, जरूर इस बंदे को रश कर देते हैं। ओ भाई, ये बंदा तो रश करने के लिए तैयार खड़ा था, बट कोई यहाँ पे अपने पास सोनिया और डिमिट्रिया, जिसकी वजह से हम लोग एक दफा फिर से रिवाइव हो जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे मर भी जाते हैं तो फिर से भी हम लोग रिवाइव हो सकते हैं, क्योंकि सोलो में एक दफा रिवाइव हो सकते हैं हम लोग। तो अपना जो रैंक है ना वो भी 7000 पॉइंट्स के ऊपर पहुंच चुके हैं। रिवाइव होकर लूट भी कर लिया हम लोगों ने। यहाँ पे एक सामने की साइड बंदा है, सोलो में आप लोग एक दफा रिवाइव भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग 3 से 4 गेम, चलो यहाँ पे कैंडी गेम है, आई थिंक पहले भी कैंडी को नॉक, नहीं कैंडी नहीं था, पहले किसी और को मारा था। 2 किल यहाँ पे भाई कर लिए कन्फर्म। अब जो मरेगा तो वो भाई माइनस ही होगा, रिवाइव का कोई सीन नहीं है। सोलो में सिर्फ एक दफा रिवाइव हो सकता है। अब काफी सारे लोगों को क्वेश्चन होगा कि भाई आप स्क्वाड में क्यों नहीं खेल रहे, क्योंकि स्क्वाड में आप लोग 100 टाइम भी मरते हैं तो आप लोगों के जो प्लेयर साथ होते हैं वो रिवाइव करा सकते हैं। सामने की साइड एक ऊपर बंदा आया भाई रश करने के लिए, यहाँ पे जिप लाइन पकड़ के आया था। ओ ये काफी अच्छे हेडशॉट थे यहाँ पे, MP5 के 3 हेडशॉट। मैं आप लोगों को ये बताने के ट्राई कर रहा था कि भाई सोलो क्यों खेल रहे हैं। तो भाई सोलो खेलने की सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर आप लोग 5 से 6 गेम स्क्वाड के अंदर लगाते हो और उसके बाद 1 या 2 गेम सोलो खेलते हो, तो आप लोगों को जो लॉबी फुल हार्ड रीजन प्लेयर टॉप 1 टॉप 2 या टॉप 100 जो प्लेयर दिखाई दे रहे थे वो अब आप लोगों को नहीं दिखने वाले सोलो के अंदर, क्योंकि सोलो में लॉबी जो है ना नॉर्मल आती है। अगर आप 5 से 6 गेम में स्किप करके खेलो, यानी कि 5 से 6 गेम आप लोग डुओ या स्क्वाड में खेलो और उसके बाद 1 या 2 गेम आप लोग सोलो में खेलो, सोलो में आती है हीरोइक के काफी काफी अच्छे अच्छे तगड़े तगड़े प्लेयर आते हैं। लेकिन रीजन जो टॉप 1 वाले या टॉप 99 वाले वो बहुत ही काम आते हैं सोलो के अंदर, क्योंकि वो जब दूसरे प्लेयर्स जैसे कि एक आईडी के ऊपर मल्टीपल प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, यानी कि 4 से 5 प्लेयर, तो वो जब दूसरे बॉट प्लेयर यानी कि ऐसे प्लेयर जिनका एक्सपीरियंस नहीं होता, जब वो वाले प्लेयर उनकी आईडी लॉग इन करते हैं तो वो भी सोलो खेल के पुश कर लेते हैं। तो ये वाला सीन होता है भाई सोलो खेलने का। बाकी यहाँ पे चेक करो भाई, नीचे की साइड पे एक बंदा है जो कि डैमेज दे रहा है भाई। चलो यहाँ पे फुल डाल लिया, अपने पास है पैराफिल MP5 3 चिप। ओ क्रिमिनल है भाई ये तो पर्पल वाला क्रिमिनल है। बट कोई ना, यहाँ पे मेडिकेट तो अपनी फुल है, रिपेयर किट एक आदत लगा लेते हैं। आ रहा है, अगर ये बंदा रश के लिए आता है तो मरेगा। नीचे की साइड एक और बंदा भाई जो कि गाड़ी लेके आ रहा है। ये सीन थोड़ा सा खराब यहाँ पे जरूर होने वाला है, क्योंकि अगर इसमें रश करो तो ये दिक्कत देगा। चलो ओ भाई बाइक रेक, ये लो भाई फुल डैमेज हम लोगों ने चलो किया भाई, किल चोरी कर रहा है, इसको तो इमोट दिखाना बनता है भाई। टोटल 1 गोली का बंदा था और इस क्रिमिनल ने अपना किल जो है ना चोरी कर लिया, और उसको लग रहा था कि उसने डैमेज अपने को दिया है ऊपर वाले बंदे ने, तो नीचे से रश करने के लिए आ रहा था ताकि वो हमें भी मार सके और एक और किल ले सके। बट भाई विदो के ऊपर पानी फिर गया, एक ही बेचारे को हेडशॉट लगा है। यहाँ पे 4 किल जरूर डन हो चुके हैं। ऊपर की साइड के ऊपर एक बंदा जो कि गाड़ी के अंदर घूम रहा है, सबसे पहले इसके ऊपर रश करते हैं। ओके यहाँ पे M4A1 भी मैक्स मिल चुकी है अपने को, वो बंदा जो कि गाड़ी लेके आया था यहाँ पे ही था। चलो यहाँ पे M60A Max, ओपी थानोस यहाँ पे काफी अच्छे प्लेयर्स है जिनका भाई आप लोग ड्रेसिंग चेक कर रहे हो कि कितना अच्छा करा हुआ था, बट हो सकता है कि आईडी वगैरह परचेज करी हो तो ड्रेसिंग का कुछ सीन हो सकता है। बट कोई ना, यहाँ पे 5 किल हम लोगों ने जरूर डन कर लिए, 19 बंदे अभी तक लाए हैं। किसी ने अभी तक लाइक नहीं करा तो जल्दी से एक आदमी लाइक कर देना है। ओके यहाँ पे एक और बंदा नीचे की साइड रश करने के लिए आ रहा है। ओहो इसने करैक्टर यूज जरूर कर रहा है, बट मर गया भाई। इससे पहले हम लोगों ने इसकी सोनिया लगा ली थी, लगा दी थी, इसके पास वो करैक्टर था जो कि अपनी लोकेशन जो है चेंज आसानी से कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह भाई, वो के पोर्टल के जरिए जिसको बोलते हैं जाना, तो वो वाला सीन है। इसने वो वाला करेक्टर लगाया हुआ था, नेम अभी के समय मेरे को याद नहीं है, बहुत ही ईजी था नेम है। तो यहाँ पे 6 किल हम लोगों ने जरूर डन कर लिए हैं। दोनों अपने पास जो गने है ना वो फुली मैक्स है। एक और बंदा यहाँ पे, चलो टोकन उठाए हैं, सामने की साइड ऊपर की साइड नजर आया बंदा। ओहो यहाँ पे बनी था भाई, बनी तो इतना सस्ता कर दिया गया ना कि हर 10 से 15 लेवल वाले प्लेयर के पास भी होता है, लेकिन ये प्लेयर 10 से 15 वाला नहीं था। लेकिन एक बात कर रहा हूँ कॉमन सेंस की, कि हर बंदे के पास भाई बने की एक वैल्यू हुआ करती थी भाई, 444 उसको पहनता था, तो भाई उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू को डिक्रीज करा गया जैसे ये लकी शॉप के अंदर आया होता लकी ड्रॉ के अंदर। तो भाई हर बंदे ने जिसका लेवल 20 से 25 था तो उसने भी बनी निकाल लिया, इवन हम लोगों ने भी बनी निकाला है, तकरीबन 350 डायमंड्स के अंदर लोगों ने भी निकाल लिया। तो हर प्लेयर ने बनी जरूर निकाला है।
तो ये रेयर चीजों के साथ खिलवाड़ जो है ना ग्रीना को चाहिए कि इसको बंद करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे फाइनली 7 किल जो है अपने डन हो चुके हैं, 14 बंदे यहाँ पे अलाइव ऊपर की साइड भी। ओके, एक और बंदा आया पीछे की साइड भी और एक बंदा सामने की साइड गाड़ी लेके चला गया, क्रूज़ है अपने पास और सामने वाले प्लेयर के पास आई थिंक M10 है 3 चिप के साथ। ओ ये करेक्टर स्किल बहुत बेकार है भाई, ये देखो कंप्लीटली मोमेंट को जाना इसने रोक गया था, मकड़ी का करेक्टर इसने यूज करा हुआ था। बट कोई ना, यहाँ पे सोनिया डिमिट्री का जो अपने को पावर मिली है ना वो अलग लेवल पे लेके गई है। तो यहाँ पे 8 किल डन हो चुके हैं, 10 बंदे अभी अलाइव हैं। इस बंदे को सोनिया और डिमिट्री के बगैर मारना इम्पॉसिबल था, अगर मार भी लेते तो अपनों खुद ही साथ में मर जाते। ओके, तो गैस यहाँ पे फुली लास्ट हूँ, 3 बंदे अलाइव हैं अपने अलावा, 8 किल वही अपने डन है। इसके बाद अपने को कोई बंदा मिला नहीं, बट यहाँ पे लास्ट जोन में 3 से 4 एक साथ मिल गए। एक तो शॉप की साइड है और एक एक राइट पे और एक ड्रॉप वाली साइड के ऊपर जो ग्लूल डाली हुई है एक इस साइड के ऊपर है। तो इनमें से अगर आपस में एक या दो मर जाते हैं तो अपने लिए बुजिया लेना जो है ना वो आसान हो जाएगा। किल तो अपने को नहीं चाहिए क्योंकि 8 से 9 किल हम लोगों ने ऑलरेडी करे हुए, तो अगर किल ना भी मिले एक आधा भी मिले तो अपना काम हो सकता है। बट बुजिया चाहिए अपने को, जो मेन चीज है यहाँ पे बंदा भाई बहुत डैमेज दिया इसको, लॉन्चर मारा है, ग्लू वॉल इसकी 2 से 3 तोड़ी है, बट बंदे के पास ग्लू वॉल जब तक खत्म नहीं होती तो ये मूवमेंट कर रहा है। चलो एक्स टीडी को यहाँ पे नॉक कर रहा है ग्रूजा एक्स से। 9 बंदे यहाँ पे जरूर अलाए, पीछे की साइड एक बंदा शॉप के ऊपर है जो कि भाई अगर ग्लू वॉल हम लोग राइट पे डालते हैं तो वो डैमेज देगा, लेफ्ट पे डालते हैं तो इस साइड वाला ड्रॉप वाला डैमेज देगा। तो हम लोग थोड़ा सा भी वेट ही कर लेते हैं, ये सबसे बेस्ट रहेगा। तो चलो यहाँ पे हम लोगों ने मिनी टोरेंट जो कि छोटा सा मशीन है जिसके जरिए एनिमी को हल्का सा डैमेज जरूर पड़ सकता है अगर वो सामने की साइड खुले में आता है, तो ये काफी अच्छी चीज है अगर आप लोग सोलो में खेलते हैं तो आप लोगों को भी। चलो भाई ये क्या कर रहे हैं, बंदे को पता ही नहीं है भाई किस साइड से पड़ रही है। असल में ग्रूजा के ऊपर जो है ना साइलेंसर लगा हुआ था जिसकी वजह से उसको शो नहीं हुआ, और जितने देर में उसको जहर हुआ शो हुआ कि उसको डैमेज पड़ रहा है उतनी देर में तो हम लोगों ने भाई ग्रूजा एक्स तबाही फेर दी थी, खत्म। एक तो ग्रूजा अपने पास एक्स है, दूसरा ईवो की स्किन है, तो ये डैमेज बहुत ही अलग लेवल पर दे रही है। चलो यहाँ पे ग्रेनेड है हमारे पास 8 से 10, टोटल एक बंदा है, जितने भी हैं फेंक देते हैं अगर ये रश के लिए। चलो एक तो पड़ा है 78 का और अगर एक और पड़ता है तो इसने मर जाना है। चलो M10 अपने पास, 2 शॉट्स होने लगे, चलो नॉक आए, पता था भाई इसने क्या डिमिट्री। तो लाइक एंड शेयर मार देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।